के कन्नौज जिले में बीते 3 महीने से बीएसएनएल की नेट सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं और इससे आमजन को खासी परेशानी हो रही है। वहीं नेटवर्क सेवाओं से संबंधित विभागीय अधिकारी निर्माण हो रहे रोड के कारण लाइन कट जाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आमजन सीधे तौर पर सरकार की तरफ अंगुली उठा रहा है। यहाँ प्राइवेट कंपनियों की नेट सेवाएं लेने को उपभोक्ताओं के सामने अब मजबूरी पैदा हो गई है। महीना से यहाँ बिल्कुल नेटवर्क डेड पड़ा, घंटे आधा घंटा के लिए आया, फिर तीन तीन दिन गए। जाने कितने ट्विटर से शिकायतें पीएमओ से लेकर मोदी जी तक को, अब ये कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। बीएसएनएल को बर्बाद और समाप्त करने की एक साजिश है निजी कंपनियों से साठगांठ की, और इसमें उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। अब उपभोक्ता बहुत परेशान है, कन्नौज का तो खासतौर से परेशान है। एक्चुअली रूट बाइंडिंग का जो काम चल रहा है इसमें केवल हमारी दो तरफ से रूट है, एक डायरेक्ट कन्नौज टू कानपुर और दूसरा कन्नौज टू वाया छिबरामो होते हुए फर्रुखाबाद होते हुए हैं। और जीटी रोड पे बाइंडिंग की वजह से दोनों तरफ की केबल लगातार कट रही है जिससे कि ये प्रॉब्लम आ रही है। वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ जगह है अगर हम लोगों ने ट्राई भी किया था, कमालगंज के थ्रू भी चलाया था और अभी मिनीलिंक की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद मेन व्यवस्था तो अभी चालू बचने में टाइम लगेगा क्योंकि केबल कटती रहेगी, लेकिन वैकल्पिक